कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है। देश भर में कांग्रेस की ओर से राजभवनों का घेराव किया गया। आपको बताएं, राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस की ओर से एक जनसभा हुई, जिसे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, अशोक चांदना, रामलाल जाट, ममता भूपेश, शकुंतला रावत समेत कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा के बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया, जहां सिविल लाइन फाटक से पहले ही कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैरिकेड्स पर चढ़े और विरोध जताकर वापस लौट गए। इस दौरान A1 टीवी से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी राजभवनों का घेराव कर रही है। जयपुर में भी सिविल लाइन फाटक के बाहर ये आप देख सकते हैं कांग्रेस एक जनसभा के बाद राजभवन की ओर कूच करते हुए सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और पीसीसी के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सिविल लाइन फाटक की तरफ कूच की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश भर में आज राजभवनों का घेराव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और बैरिकेडिंग कर 3 लेयर पुलिसकर्मी यहां पर खड़े किए गए हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो इस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में राजभवन की ओर कांग्रेस बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता आज एक सिंबॉलिक तौर पर राजभवन घेराव का कार्यक्रम पूरे देश भर में रखा है और इसके माध्यम से, क्योंकि जिस तरह से कल AICC में दिल्ली पुलिस की ओर से अंदर घुसा गया, उसका भी आक्रोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। इन बेईमानों को सत्ता से हटा के रहेंगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहुल गांधी कुछ नहीं बिगाड़ सकते।